जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलभरतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देही मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणि जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। नीरहार हार धनसार सुधाकरं महाकल्याणं दाकनक जंबक दाम्बुशां उतंग बिलिग जुगंब मनोहरांगी वाणी नमामि नमामि विभूत्ये। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम बम भैरवाय नमः। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्की वाणी की प्रस्तुति। देवराधा ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्यों के लिए विभिन्न प्रकार के टोने टोटके बताए जाते हैं, किस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें इसके बारे में भी चर्चा की जाती रही है। अपने घर की स्वयं की रक्षा कैसे करें इसके ऊपर भी चर्चा की जाती रही है, और साथ ही साथ में पूरे परिवार की रक्षा कैसे करें, यज्ञ कैसे करें, हवन कैसे करें, अनुष्ठान कैसे करें, साधना कैसे करें, कहाँ पर साधना करें, देवी माँ की पूजा कैसे करें, दुर्गा माँ की पूजा कैसे करें, काली माँ की पूजा कैसे करें, हनुमान जी की पूजा कैसे करें, भैरव जी की पूजा कैसे करें, इनके ऊपर कई बार बताया जा चुका है YouTube के माध्यम से और किताबों के माध्यम से भी। देवराधा ट्रस्ट के द्वारा धर्म की सभी आपके समस्याओं से संबंधित किताबें भी लिखी जा रही है। यदि आप चाहें तो वो किताबें सब प्राप्त कर सकते हैं। किताबें जो है एक मनुष्य को घर के अंदर की जो मंदिर की मूर्तियां होती है उन मूर्तियों को कैसे जागृत किया जाए, आप जो माला जप करते हैं उस जप को माला को कैसे प्राण प्रतिष्ठित किया जाए, घर में स्वयं आप स्वयं प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं, मंदिर में पूजा कैसे करना चाहिए, मंदिर को कैसे जागृत किया जाए, देवताओं को कैसे मनाया जाए, विवाह करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपना स्वयं का भाग्य आप कैसे पढ़ सकते हो, काला जादू को कैसे हटा सकते हो, और शिव जी की आराधना कैसे करना चाहिए, कौन शिव जी की आराधना कर सकता है, मंत्र कैसे बोलना चाहिए, स्तुति कैसे बोलना चाहिए, मनुष्य जीवन के ऊपर कौन कौन सी चीजें जो प्रभाव डालती है, और आप अपने शत्रुओं को कैसे दबा सकते हो, शत्रुओं को कैसे दूर कर सकते हो, आप यदि अधर्मी हो तो धर्म की ओर कैसे आ सकते हो, यदि आप पाप कर्म ज्यादा करते हो तो पुण्य कर्म की ओर कैसे आ सकते हो, नवरात्रि कैसे मनाना चाहिए, गुप्त नवरात्रि कैसे मनाना चाहिए, काली माँ को प्रसन्न कैसे करना चाहिए, भैरव जी महाराज को प्रसन्न कैसे करना चाहिए, नवग्रह शांति कैसे करना चाहिए, और अपराजिता साधना कैसे करें, प्रत्यंगिना साधना कैसे करें, मातंगी साधना कैसे करें, काली साधना कैसे करें, इन सब चीजों के ऊपर देवराधा ट्रस्ट के द्वारा ज्ञानवर्धक किताबें लिखी गई हैं। आप चाहें तो वो पुस्तकें देवराधा ट्रस्ट से मंगा सकते हैं, और उन पुस्तकों में सब में जीवन का सार बताया गया है। 9893128047 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं, या 7649862712 पर भी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हो। आपके घर में यदि लक्ष्मी जी की कमी होती है
तो लक्ष्मी जी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं। किसी भी मनुष्य को जो धार्मिक हो, आस्तिक हो, उस मनुष्य को लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये श्री यंत्र होता है। इस श्री यंत्र की आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। यह श्री यंत्र हमेशा ठोस धातु का बना हुआ होना चाहिए, चाहे वो तीन धातु का हो, चाहे वो पंच धातु का हो, चाहे वो अष्ट धातु का हो, परंतु एक सिंगल धातु का भी हो सकता है। ये आप जो श्री यंत्र देख रहे हैं यह मशीन से बना हुआ है स्टैंडर्ड साइज का, मतलब इसकी जो ये रूपरेखा बनाई गई है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, शास्त्र सम्मत है। इसके जितने भी तिकोने बने हुए हैं ये सब तिकोने मशीन से कटे हुए हैं। इस श्री यंत्र की कटिंग और शुद्धता बहुत अच्छी है, ये पूरा ठोस है, कम से कम 1 किलो का ये श्री यंत्र है, त्रिधातु का बना हुआ है। कोई भी मनुष्य धर्मप्रिय बंधु यदि लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहता हो तो इस श्री यंत्र की पूजा उसको करना चाहिए। षोडशी देवी की पूजा भी करना हो तो उसको भी श्री यंत्र की पूजा करना चाहिए, क्योंकि श्री यंत्र के अंदर, श्री यंत्र की पूजा यानी संपूर्ण देवी देवताओं की पूजा, आपको किसी अन्य देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सभी देवी देवता इस श्री यंत्र में विराजमान होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि में रहते हैं, साथ ही साथ में काली माँ भी श्री यंत्र के अंदर बैठती है, भैरव जी महाराज भी श्री यंत्र में बैठते हैं, उनकी 64 योगिनियां भी इसी श्री यंत्र के अंतर्गत बैठती है, सभी 10 दिशाओं के देवता इस श्री यंत्र के अंदर विराजमान होते हैं, क्षेत्रपाल देवता भी श्री यंत्र में विराजमान होते हैं। इसलिए श्री यंत्र का मतलब होता है, इसलिए इसको श्री यंत्र बोला जाता है, किसी भी यंत्र के आगे श्री नहीं लगाया जाता, केवल इसी में ही श्री यंत्र लगाया जाता है, क्योंकि ये यंत्रों का राजा कहलाता है। यदि आपको ये त्रिधातु का बना हुआ श्री यंत्र चाहिए जो स्पष्ट तौर से हर एंगल से क्लियर कटिंग के साथ बना हुआ है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9893128047 7649862712, इस पर संपर्क कर सकते हैं। ये श्री यंत्र कम से कम 1 किलो धातु का बना हुआ है। यदि आप चाहें कि श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा आप खुद स्वयं हमारे यहाँ पे आश्रम में आकर के हम अपने निर्देशन में श्री यंत्र की आपको प्राण प्रतिष्ठा आपके हाथों से हम करवाएंगे, और यदि आप चाहते हैं कि हम स्वयं करके आपको दें तो वो भी आपके नाम गोत्र के हिसाब से श्री यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा करके आपको दिया जा सकता है। जैसा भी हो, यदि आप चाहते हो कि लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा बनी रहे, महाकाली की कृपा बनी रहे, भैरव देवता की कृपा बनी रहे, काली माँ की कृपा बनी रहे, तो इस श्री यंत्र की पूजा अवश्य करना चाहिए। श्री यंत्र का मंत्र है श्री म्रीम क्लीम ऐं सोम ओम ह्रीम गैल ह्रीम भस्कर ह्रीम सकल ह्रीम सोम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम, इस ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको जप करना होता है, इसी मंत्र से श्री यंत्र का अभिषेक करना होता है। रोजाना दूध और कुमकुम इसके ऊपर चढ़ाया जाता है और इनकी पूजन अर्चन करने वालों को कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है। वो व्यक्ति जो इस श्री यंत्र की पूजा करता है उसके बाद धीरे धीरे धन धान्य से परिपूर्ण उसका घर परिवार हो जाता है, क्योंकि इसका जो बीज मंत्र है उस बीज मंत्र में भी बहुत शक्तिशाली है, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सोम, ये इसका कुछ मंत्र बीज मंत्र है। ओम ह्रीम कैल ह्रीम हसकल ह्रीम सकल ह्रीम सोम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम, यानी इसमें सूर्य का मंत्र भी है, महामाया का मंत्र भी है, महालक्ष्मी का मंत्र भी है, महासरस्वती का मंत्र भी है, योग माया देवी का मंत्र भी है, भैरव देवता का मंत्र भी है, सभी के बीज मंत्र इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये मंत्र बोलने से और इस मंत्र से इस श्री यंत्र का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में अभिषेक करने से आपको निश्चित तौर से घर में समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। परंतु उसके पहले यदि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है,
भूत प्रेत है, चुड़ैल डाकन है, चौकी बैठाई हुई है, प्रेत लोगों की अभी आप पूजा कर रहे हो, घर के अंदर लोभान जलाते हो, तो ये श्रीयंत्र तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आप अपने घर की, अपने दुकान की, अपने फैक्ट्री की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर नहीं कर देते हो। और इसके लिए, ये नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए भी हमारे द्वारा किताब लिखी गई है। आप चाहें तो काला जादू कैसे काटे ये किताब खरीद सकते हैं और उसके माध्यम से पहले घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें और उसके बाद ये श्रीयंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करा के आप घर में पूजन अर्चन करें, पूरे परिवार सहित पूजन अर्चन करें, निश्चित तौर से आपको फायदा होगा। जय माता दी, जय मा कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और आपको इस योग्य बनाए कि आप ये श्रीयंत्र खरीद सकें और उनकी पूजा कर सकें। श्री ह्रीम ग्लीम मैम धोम ओम ह्रीम गैम ह्रीम मस्कर ह्रीम सकर ह्रीम धोम ऐम ग्लीम ह्रीम श्रीम श्री ह्रीम ग्लीम मैम धोम ओम ह्रीम गैम ह्रीम मस्कर ह्रीम सकर ह्रीम धोम ऐम ग्लीम ह्रीम श्रीम। इसकी पूजा अर्चन करने की पूरी पद्धति इस यंत्र के साथ में आपको निःशुल्क दी जाएगी। हमारी एक किताब है निर्धन से धनवान कैसे बने। इस किताब के अंतर्गत श्री यंत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी उसके अंतर्गत दी गई है। आप चाहें तो पहले वो किताब भी खरीद सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, मान सम्मान दे, यश दे, कीर्ति दे और सद्बुद्धि दे कि आप श्री यंत्र की पूजा रोजाना कर सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।